हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के एमएस क्लासेस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। 2024 की बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ चुकी है। यदि आपका मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है तो 100% हम वादा करते हैं आपका ये जॉब आपके पास होगा। और जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं है, घबराने की बात नहीं है, है ना, वो हमारे इस क्लास से जुड़ करके अपना मैथ और रीजनिंग अच्छा कर सकते हैं। ये वैकेंसी दोबारा आए या ना आए आपको इंतजार नहीं करना, आपको पूरा प्रयास करना है इसी बार इसके इस एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आप डेट याद रखना है, डेट 26 सितंबर रात के 9 बजे। खा पी के आप लोग तैयार रहिएगा, उस समय कोई ट्यूशन नहीं, कोई कॉलेज नहीं, किसी का कोई काम नहीं है। रात में 9 बजे आप हमारे क्लास से जुड़ेंगे, ठीक है। और इसमें 3 डेमो आपको मिलेगा फ्री में, जो कि देखने के लिए उस 3 डेमो में आपको टाइम एंड वर्क और रीजनिंग का क्लॉक, ये 2 चैप्टर हम खत्म करेंगे। अगर हमारा क्लास अच्छा लगा तो फिर हमारी क्लास से जुड़ना है। तो अब इसमें देखते हैं क्या करना है। इंतजार हुआ खत्म, आ गया है न्यू बैच। तो ये उनके के लिए जो एनटीपीसी और एसएससीजीडी की तैयारी करना चाह रहे हैं कि इसी बार एग्जाम निकल जाए। तो चलिए इसमें देखते हैं बाबू, इसमें कितना क्वेश्चन, इसमें कितना सीट है। तो सबसे पहले यहां पर समझिए इस चीज को, एसएससीजीडी की बात करें 39,481 कितना है भाई, 39,481, जो कि बहुत बड़ा मात्रा है भाई सीट का। इतना वैकेंसी अगर इसमें आपका नहीं हुआ तो अब किसमें होगा, है ना। कितना साल से इंतजार कर रहे थे वैकेंसी का, आ गया, अब तो निकाल लो भाई। लॉकडाउन के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी, जो कि मैथ और रीजनिंग के बेस पे पूछने वाला सबसे बड़ा वैकेंसी आपका यही है, ठीक है। अब आ जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी, जो कि जितना भी टीटी है, टीसी है, टिकट कलेक्टर है, जितना रेलवे का है ना नॉन टेक्निकल पोस्ट है, वो सब इसके तहत भराएगा, ठीक है। इसमें 8,113 सीट वैसे स्टूडेंट के लिए जो ग्रेजुएशन पास है, ये ग्रेजुएशन लेवल पे है, और 3,445 सीट वैसे स्टूडेंट के लिए है जो इंटर पास है। तो ये आपका इंटर लेवल पे है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग भाई क्वेश्चन तो सेम रहेगा दोनों में, ठीक है। तो ये था, लेकिन जो भी है भाई ओवरऑल एक ही चीज आपको एक बता दे, इसमें आपको कॉमन क्या है, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दोनों में आने वाला है, दोनों में भर भर के पूछने वाला है, ठीक है। तो जिनका जीके थोड़ा कमजोर है, बाकी मैथ रीजनिंग अच्छा है, तो 100% वो इस जॉब को तोड़ सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें पता करते हैं किसमें कितना क्वेश्चन पूछेगा मैथ का, किसमें कितना रीजनिंग का, ठीक है, जीके का कितना क्वेश्चन होगा वो समझते हैं। आइए यहां पे देखते हैं, यहां देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी 2024 की पहली बात करें, जो कि आपका ये है ना दो लेवल पे होगा, ग्रेजुएशन लेवल पे और इंटर लेवल पे, दोनों का सीट मैंने बताया है, तो आपका पैटर्न एग्जाम का बिल्कुल सेम होगा, क्लियर है। चलिए अब यहां पे देखते हैं एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका कितना होगा, 90 मिनट का ये एग्जाम होने वाला है, और जनरल अवेयरनेस जीके जीएस का 40 क्वेश्चन होगा। बात करते हैं मैथ का, तो आपका 30 क्वेश्चन मैथ का और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, तो 30 और 30 60, जीके कितना 40। अगर आपका ये अच्छा है भाई, जीके जरा सा भी अच्छा होगा ना, तो 100% आपका जॉब आपके पास होगा, ठीक है भाई। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जिसका जीके रटने में मन नहीं लगता ना, कम से कम मैथ रीजनिंग अच्छा करके वो निकल सकते हैं। चलिए आते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना 100 का होगा। तो ये तो बस आपको बताया क्या, यहाँ पे फोकस करना है 30 और 30 60, 100 में से 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग बल्ले बल्ले होने वाला है आप लोगों के लिए, क्लियर है। चलिए फिर आगे बात करें, किसकी बात कर लिया अभी हम, एनटीपीसी की, और अगर हम बात करें एसएससीजीडी की, तो एसएससीजीडी में कितना क्वेश्चन आता है वो देखिए आपको मैथ और रीजनिंग का। चलिए देखते हैं एग्जामिनेशन, एग्जाम ड्यूरेशन कितने देर का होने वाला है, 1 घंटे का, 60 मिनट का होगा मैथ और रीजनिंग, ठीक है। उसमें जनरल अवेयरनेस जीके पूछेगा 20 क्वेश्चन, ठीक है, मैथ पूछेगा 20 क्वेश्चन, आपका रीजनिंग पूछेगा 20 क्वेश्चन, इंग्लिश पूछेगा 20 या हिंदी पूछेगा 20। इंग्लिश या हिंदी में से ऑप्शनल है, आपको जो सेलेक्ट करना है कर लेंगे, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन होगा 80, फिर से एक बार देखते हैं 20, ये दोनों कितना है 40, 40 कहां 20। तो भाई जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है ना, 100% वो इस जॉब के लिए है ना तैयार हो जाइए, 100% आपको मिलने वाला है, और इसका फॉर्म भरा रहा है, आप लोग भर लीजिए, क्लियर है। चलिए
ये तो हो गया। अगर आपको हमारे क्लास से जुड़ना है, यदि आपको हमारे क्लास से जुड़ना है कि भाई सर इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, है ना, क्यों ना इनका एक बार क्लास देख लिया जाए, तो भाई सुनिएगा, हमारा सारा क्लास यूट्यूब पे चलने वाला है, प्राइवेट करके चलता है, वो लिस्टेड होता है, तो वो आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो हमारे क्लास से जुड़ने के लिए, तो भाई प्लीज आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे और हमसे इस कोर्स के बारे में डिमांड करेंगे, सर हम इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो हम बिना कुछ नाम पूछे ना आपको हमारे क्लास से जोड़ देंगे। 3-4 क्लास आपका फ्री है, आगे का 3 या 4 क्लास जो भी है हम फ्री देंगे, टाइम एंड वर्क और रीजनिंग में क्लॉक कंप्लीट फ्री है, जो कि दोनों का दोनों अपने आप में बड़े लेसन में से काउंट किया जाता है। अगर ये क्लॉक आपके लिए इजी हो गया ना, तो समझिए सबके लिए इजी हो जाएगा बाकी को, ठीक है। तो चलिए, तो एक बार फिर से आपको बता दें, हमारे क्लास से जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, सॉरी इस पे व्हाट्सअप करेंगे या इस पे करेंगे और बोलेंगे सर हमें आपका कोर्स से हमारी इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो बाकी बस मेरा काम, जैसे आपका नंबर आएगा हम आपको क्लास से जोड़ेंगे। और ये क्लास कब स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपको बताए थे यहां पे दे रखा है मैंने, 27 सितंबर रात 9 बजे, ठीक है। चलिए ओके, सॉरी ये 26 सितंबर रात के 9 बजे, गलती से हो गया था। तो आप लोग हमारे क्लास से जरूर 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 जुड़ेंगे, ठीक है। कम से कम जिनका मैथ अच्छा है वो भी देखेंगे, और जिनका नहीं अच्छा बाबू वो एक क्लास भी मिस नहीं करेंगे। अगर चाहते हैं मैथ रीजनिंग का पूरे यूट्यूब पे अच्छा क्लास का खोज रहे हो, कुछ अच्छा खोज रहे हो, तो हमारा क्लास 100% उनके लिए है, ठीक है। दूसरा किसी क्लास को ज्वाइन करने का वादा, मैंने कि ज्वाइन करने का नौबत नहीं आएगा, ये वादा रहा आपसे, 100% आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, कोशिश करेंगे हमारे क्लास से जुड़ने के लिए। ओके, बाय बाय।